70-80 हजार की लीड से जीत रहे थे, हमने उनको हरवाया है। इल्जाम लगाना आपका हक है, सबूत भी पेश कर देना। कमिश्नर ने जो इंकशाफात किए हैं और जो उनके उन्होंने अपनी जमीर की आवाज पर लबैक कहते हुए जो बातें की हैं, मोहर उस पर सख्त हो गई कि हम जो कुछ कह रहे थे रोजे अव्वल से वही हुआ। वो वक्त आने वाला है कि वजारत उज़्मा देने वाले वजारत उज़्मा लेके फिरेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। कमिश्नर साहब की पूरी तहकीकात होनी चाहिए, इनका 8 दिन किससे रब्ता था। वो वक्त आएगा वजारतें देने वाले वजारतें बांटेंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूँ आपका मेज़बान शौकत पराचा। 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जहांगीर खान तरीन सियासत से बाहर हो गए और आज परवेज़ खटक भी पसे पुश्त में चले गए। दोनों पीटीआई से हारे थे, हारने के बाद उन्होंने अपनी हार तस्लीम की, लेकिन आज रावलपिंडी के कमिश्नर लियाकत अली चट्ठा ने एक और बात कर दी। उन्होंने पहले तो ख़ुदकुशी का सोचा, फिर ख़ुदकुशी नहीं की, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी मेरे आरओज़ और डीआरओज़ भी रोते रहे कि हमें इलेक्शन नतज तब्दील करना पड़े क्योंकि पीटीआई वाले इन इलेक्शन पर हार गए थे। ये पाकिस्तान की डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी दीगर ममालिक में हो तो वो बड़ी अच्छी लगती है। आज ही यानी आज ही इस्लामाबाद में यूरोपियन यूनियन में शामिल ममालिक के सफारतकारों ने यूरो विलेज का इनेकाद किया, बड़ी एक्टिविटी थी वहाँ पर। और इसी डाइवर्सिटी के बारे में यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना कोइंका ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। Very happy with the way things have come out at this point. We're trying to showcase European culture all in one place and one space for a few hours to show what we call unity and diversity. And from that respect, you know, Europe and Pakistan have a lot in common: diversity in languages, cultures, music, and that's what we're trying to do here. Not only show European culture, but also ये डाइवर्सिटी है जिसकी वो तारीफ़ कर रहे हैं। और बाकी ममालिक में तो ये डाइवर्सिटी एक ब्यूटी होती है, हमारे यहाँ पता नहीं क्या हो जाता है। बहरहाल हम इन मौजूदात पर बात करेंगे। 3 अहम मेहमान अलग-अलग हमारे रूबरू होंगे। इस वक्त हमारे रूबरू हैं एमकेएम पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल हो तो फिर हम आपसे रहनुमाई लेने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी शफकत, आप वक्त दे देते हैं। ये फरमाइए, धांधली आज रावलपिंडी के कमिश्नर ने बातें कर दी, उन्होंने सबूत तो कोई नहीं दिया, बाकी सियासी जमातें भी सबूत मांग रही हैं और ख़ुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उनको कह रहे हैं कि इल्ज़ामात लगाना हक है तो सबूत भी आप दें। कमिश्नर रावलपिंडी का इस तरह आकर ये बातें करना क्या माने रखते हैं आपके नज़दीक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक बहुत बहुत शुक्रिया इस तारीख के इस आम तरीन मोड़ पर, जब पाकिस्तान बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है और हमें हमारी च्वाइसेस ही हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेंगी, ऐसे मौके पर ये इल्ज़ाम दुरुस्त हो सकता होगा, लेकिन लगाने का तरीका तो दुरुस्त नहीं है ना। सरकारी मुलाजिम है, अब जहाँ लगाना चाहिए पब्लिक में आकर लगाने की इनको इजाज़त है इस तरह का? उनको अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए था, और अगर उनको लगता है पहले तो ये कि उनको धांधली का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था अगर, और दूसरा अगर बन भी गया जी जी, तो मुतालिका फोरम से बात करनी चाहिए थी। जो भी है, आपको तो सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए था, हाई कोर्ट चले जाना चाहिए था, अपने आला ऊपर की जिम्मेदारों से बात करनी चाहिए थी। ये तो आपने मुल्क में इंतखाबात के बाद इस तरह का ये बयान देकर, मुझे लगता है इस वक्त अगर किसी की ख्वाहिश होगी कि मुल्क में इस तरह के बहरान शिद्दत बढ़े तो पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा। अच्छा, 2018 में भी तो था ना, सब कुछ हुआ है ना, तो बाकी जो लोग हारे थे उन्होंने एहतजाज करते रहे, हमें भी हरा दिया गया था ना, कराची से तकरीबन फारिग कर दिया था ना, हम कहाँ गए? इलेक्शन कमीशन के पास गए, अदालतों में धक्के खाते रहे, एक फैसला हमारे हक में भी आ गया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इमरान खान साहब ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, जो कि मलीर शाह फैसल की कौमी असम्बली की सीट थी, वो 2018 के दिसंबर में आ गए कि एमकेएम 1500 वोटर जीती हुई यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, इस दफा भी हमारे साथ
हमारी 3-4 नशस्तें कम हुई जनाबे अली, लेकिन हमने इस मौके पे छेड़ा नहीं है। पाकिस्तान बहरानों के भंवर में फंसा हुआ है और ऐसे नहीं आ गया है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आपने फरमाया कि वो अदालत से जाते, वहाँ फोरम इस्तेमाल करते, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा तो आईनी इदारों यानी इलेक्शन कमीशन पे भी वो मुद्दा डाल गए और खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि वो भी शामिल हैं सारे काम में। तो वो तो खुद ब्यूरोक्रेट है ना, अपने ब्यूरोक्रेट जाते हैं ना अपने 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 सिस्टम के अंदर, वहां से बाकायदा एहतजाज करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जनाबे अली, मैं खुद कह रहा हूँ कि इसकी मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए इनके इल्जाम की। अगर ये साबित कर लें तो वही कुछ होना चाहिए, उस पे उन इलेक्शन के बारे में कोई फैसला करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अगर साबित ना करें और इनकी कोई पीछे से देखें इनके पीछे कौन है, अगर कोई हाथ नजर आता है तो उस हाथ को बेनकाब करा जाना इस मौके में बड़ा अहम है। डॉक्टर साहब, अगर फर्ज किया मोर देन 100% ट्रांसपेरेंट तहकीकात हो जाएं, लेकिन इस डिवाइडेड माहौल में, इस तकसीम शुदा मुल्क में, उन तहकीकात की अथेंटिसिटी, एक साइड कहेगी ये गलत तहकीकात हैं, डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, दूसरी साइड कहेगी नहीं नहीं बेहतरीन तहकीकात हुई है। जनाब अली, ये मसला तो है। देखिए, हमें 2-3 चीजें, मैं शायद आपके प्रोग्राम में कई साल पहले बोल चुका हूँ कि पाकिस्तान में जितने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होंगे उतनी पोलराइजेशन बढ़ेगी, लेकिन इसका मकसद ये नहीं कि आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना कराएं, आप पोलराइजेशन को एड्रेस करें। और जब तक पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों को बराबर का वफादार, बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान नहीं निकल पाएगा। पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों की आपस में बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के जरिए बचा जा सकता है, कोई ताकत नहीं बचा सकती है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और जो पीटीआई के लोग जीते हैं आजाद उम्मीदवार की शक्ल में, वो खुद एक चीज से साबित हो रही है ना कि इतने भी 2018 जैसे भी ये इलेक्शन नहीं थे, उसके मुकाबले में बड़ी हद तक ये ट्रांसपेरेंट इलेक्शन थे। तो आगे बढ़ना चाहिए। ये इलेक्शन हम सबको पता था, बहुत सारे बहरान, लेकिन जिंदा कौमें ऐसे बहरानों से निकल कर लड़ती है, निकलती है तो कामयाब होती है। ये बड़ी अच्छी आपने बात की, लेकिन कल जीडीए का वहीं आपके सूबे में हैदराबाद जाम शोर में एक बहुत बड़ा मुजाहरा था। पीर साहब ऑफ पगाड़ा ने खबरदार कर दिया कि इमरजेंसी लग सकती है या मार्शल ला लग सकता है। जनाब, बैक टू बैक मैं 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका हूँ कि सियासी कुव्वतें आपस में लड़के सारे दरवाजे और रास्ते बंद ना कर दें, मजाकरात करें, बातचीत करें, वरना फिर जिनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान के सॉवरेंटी का दिफा करना है, फिर उनको उनके हाथ में फैसले ना चले जाए, उनको मजबूरन कोई फैसला ना करना पड़ जाए। इसलिए एहतियात कीजिए जनाब, बहुत एहतियात का मुतकाजी है ये इस वक्त के हालात। और जहां तक ये डाइवर्सिटी की बात है भाई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसकी हिम्मत करें ना बैठ के, और एथनिक पर्टिकुलरिज्म और कल्चरल प्लूरलिज्म दोनों को तस्लीम किया जाए, दोनों को साथ लेके चला जाए, कोई डायलॉग शुरू किया जाए, बड़े मिसा के मईशत से लेके मिसा के जमहूरियत से लेकर एक दूसरे को तस्लीम करने के लिए और ताजीम करने के लिए, एक दूसरे की शनाख्त पहचान को, एक दूसरे की स्पेस को, पॉलिटिकल स्पेस को, पॉलिटिकल मैंडेट को, कोई इस तरह की राय से सियासी कुव्वतें फैसला नहीं करेंगे तो कोई और आकर फैसला करेगा। डॉक्टर साहब, फैसला कोई और आकर करे ना करे, लेकिन एक मीटिंग के हवाले से जिसमें आप मौजूद थे, मौलाना फजलुर्रहमान साहब इनकशाफात कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि कौन आया था, कौन नहीं आया था, कौन किस वक्त कहा था, बुनियादी सवाल ये है मौलाना फजलुर्रहमान के इंटरव्यू के बाद कि सियासी कुव्वतों ने खुद तहरीक अदम एतमाद का फैसला लाने का फैसला किया था या जिनके बारे में मौलाना कह रहे हैं उन्होंने कहा था, आप तो मौजूद थे उस मीटिंग में। जी, मैं कल वजाहत से बता चुका हूँ 2 बार कि ये जो बात वो कर रहे हैं कि पहली बात ये है कि ये इलेक्शन में के रिजल्ट के बाद ये बात करने की जरूरत क्यों पेश आई। दूसरी बात ये कि जनाब उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने कैटेगोरिकली हम लोगों से कहा, ये तजवीज रखी कि आप लोग ये तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें,
और किसी दूसरे रास्ते पे हम इमरान खान इस बात के लिए तैयार, इमरान खान से बात की जाए, आप लोग बैठकर जल्दी इलेक्शन करने का कोई वो मुआहदा कर लें आपस में, ये बात हुई है सर। ये बातें उन दिनों में खुद खान साहब ने भी बताया था कुछ जर्नलिस्ट को, जिनमें मैं भी था, के तीन जो तजावीज़ हैं उन पर बात हुई है, लेकिन पीडीएम या पीडीएम में जो लोग शामिल हैं वो नहीं मान रहे। बात वो हो चुकी जो मौलाना साहब फरमा रहे हैं कि जी ये इन्होंने हमें कहा था, जनरल बाजवा साहब का नाम ले रहे हैं कि आप तहरीक अदम एतमाद ने हैं। देखिए 26 मार्च 2022 को जो मीटिंग हुई थी जी जी, और मैं टीवी टॉक शो में था, वहाँ पर मेरे पास मैसेज आया कि सब लोग आपको इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं वहाँ से प्रोग्राम मुकम्मल करके गया था। अच्छा, 26 मार्च 2022 के इस प्रोग्राम में इसमें पूरी कौमी क़यादत मौजूद थी, ठीक है, जो कि उनके सामने बाजवा साहब ने ये बात की थी कि आप लोग तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें। तो उससे डिबेट हुई है, मेरे ख्याल है बाकी लोग मेरे ख्याल है इसमें टूटे पहुंचे थे कि पाकिस्तान की मईशत इस बात का तकाजा करती है कि इमरान खान को मजीद मौका दिया तो पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान ना पहुंच जाए, तो अक्सरियत की राय ये थी, तो ये मामला चलता रहा था। तो फिर मौलाना साहब या कमिश्नर रावलपिंडी आज बोले तो आपको फिर आगे क्या नजर आता है? बहुत अच्छी कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही, अगर फौरन बैठ के आपस में तय नहीं कर लिया तो फिर किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। सियासी कुव्वतें आपस में लड़के उनको 1977 वाला जहन में रखना चाहिए, और कि मजबूर कैसे कर देते हैं आप बाकी लोगों को, तो अल्लाह बस दुआ करें बेहतरी निकले। बहरानों में ये बात मैं इलेक्शन से पहले आपस में तो कर रहे थे हम, लेकिन मीडिया पे इसलिए नहीं कर रहे थे कि लोग समझेंगे शायद इलेक्शन से भागना चाहते हैं। इलेक्शन बहुत जरूरी था, जमहूरियत बहुत जरूरी है, लेकिन उससे खदशात यही थे कि वो एक नया महाज और नए इम्कानात और नए मसाइल के साथ ये इलेक्शन रुखसत होगा, तो हम भी दुआ कर रहे हैं, आप भी दुआ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अच्छी बात की कि सियासी कुव्वतों को अभी भी वक्त है, मिलकर बैठकर बातचीत करना चाहिए। नाजरीन यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और मरकजी सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम खान कुंडी हमारे रूबरू होंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, रूबरू प्रोग्राम आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारे रूबरू हैं पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब फैसल करीम खान कुंडी साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ ले आए। ऑब्वियसली आज का तो सवाल यही है कि कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का ज़मीर आज जागा, उन्होंने कहा कि 50,000 वोट हमने ज़्यादा दिए जीतने वालों को, राजा परवेज अशरफ साहब भी पिंडी से ही जीते, तो क्या आप लोगों को भी 50,000 ज़्यादा वोट मिले वहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शौकत भाई आज जो है स्टेटमेंट एक कमिश्नर की आई है पिंडी की, ये मैं समझ लूँ DMG ऑफिसर की स्टेटमेंट नहीं होती, और वो है DMG ऑफिसर नहीं है, वो थ्रू वो क्या कहते हैं दूसरे प्रोसेस से जो तहसीलदार और इसकी से उसमें जाते हैं, प्रोविंशियल सर्विस के आदमी, प्रोविंशियल सर्विस के हैं, और मतलब है कि उसकी से उस डायरेक्ट DMG के नहीं है, इसलिए उसकी स्टेटमेंट से मैं तो कहीं इलेक्शन लड़ा हूँ, आपने भी नोट किए हैं, क्या 50,000-70,000 वोट डाले जा सकते हैं? मुझे तो इसकी समझ नहीं कि 50,000 वोट आप बोगस 70,000 कैसे, या तो आप बक्से तब्दील करेंगे या बक्से, मतलब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि मैंने 70,000 PTI वाले तो कहते हैं लाख लाख वोट इन्होंने ज़्यादा डाले हैं। देखिए पहली बात तो एक कमिश्नर साहब का ज़मीर बहुत, पहली बात तो एक कमिश्नर का एक रोल जो है वो इसमें इलेक्शन में होता नहीं है, DC अपने जो है वो ऑफिसर्स लगाते हैं, चीज़ें होती हैं, कमिश्नर का कोई रोल उसके अंदर नहीं होता, इलेक्शन कमीशन और जो है वो कह रहे हैं ये DC जो ROs या DROs थे वो रोते रहे मेरे पास आकर के हमसे जुल्म करवाया जा रहा है। नहीं रो रहे थे, देखें कमिश्नर का रोल नहीं होता। दूसरी बात ये है कि इस कमिश्नर पे बड़े क्वेश्चन मार्क्स भी आते हैं, ये एक इनके अपने रिश्तेदार PTI के टिकट होल्डर्स हैं, मैनेजर PSC बने हैं। अच्छा, इनके बिजनेस के ताने बाने भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मिलते हैं PTI के साथ, हालांकि हम इसमें बेनिफिशियरी नहीं है, हम कहते हैं अगर मतलब आपने राजा साहब की बात की, राजा साहब तो 2018 में भी
जीते थे दबा के जीते थे। अब आप कहते हैं कि अब राजा साहब को उन्होंने जितवा दिया 70,000 वोट। नहीं, हम नहीं कह रहे, वो कमिश्नर साहब कह रहे हैं ना कि जी पूरे रावलपिंडी में जो जो जीता। इसकी तो पहली बात तो ये कि मैंने ऑलरेडी इस पे स्टेटमेंट जब इस पार्टी की तरफ से किसी बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। अच्छा, सो पीपल्स पार्टी तहकीकात का मुतालबा करती है। बिल्कुल तहकीकात का मुतालबा करती है, लेकिन इसमें एक और चीज़ है। वो कहते हैं ना, वकील कहते हैं कि आपने केस कमजोर कर दिया, आपको ऐसे होना चाहिए था। अब वो कह रहे हैं कि मुझे मुझ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपकी और हमारी सराकी में कहते हैं इतना वेला है कि कमिश्नर के साथ लगा रहता है कि तुम इस पिंडी में कर दो। क्या चीफ जस्टिस का कोई रोल नहीं है इलेक्शन कंडक्ट में? देखिए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जब ये बयानात दिए ना, तो फिर हमने फिर इस पर देखा कि जब इन कमिश्नर के अपने ताने बाने जब पीटीआई से मिलना शुरू हो गए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपको चीफ जस्टिस जो है आपको ही कवर करता है, फिर तो उन्होंने 50-60 कमिश्नर को फोन किए होंगे, एक को तो नहीं की होगी। तो कमिश्नर का डायरेक्ट चीफ जस्टिस के साथ, अगर उनका कोई बहुत ही जाती या रिश्तेदार या हो तो वो उसके साथ ताल्लुक शायद हो, लेकिन कभी कोई चीफ जस्टिस फोन उठाए कमिश्नर को फोन करेगा क्या तुम ये काम करो? लेकिन अभी जो परसों ये केस लगा हुआ है, ये वाला तो केस नहीं है एग्जैक्टली, दूसरा केस है कि इंतखाबात को कल अदम करार दिया जाए। ये चीज़ कितनी बड़ी अदालत के सामने आएगी, पॉलिटिकली आप कैसा देखते हैं? देखिए, अब देखना पड़ेगा। गालिबा आज सुना मीटिंग कॉल की गई है, नहीं की गई है, कल जब भी होगा चीफ जस्टिस पर देखते हैं। मीटिंग हो चुकी, वो सो मोटेशन लेते हैं नहीं लेते हैं? नहीं लिया गया, सो मोटेशन लिया गया, तो देखते हैं कि उस पर क्या चीज़ होती है, क्या नहीं। आपने जो केस का जिक्र किया उसको भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी, उसकी लीगल क्या पोजीशन है, उसको इसको टेकअप करते हैं क्या नहीं। अच्छा, कमिश्नर चलें पीटीआई वालों का रिश्तेदार होगा जैसे आप कह रहे हैं, आप खुद भी आपकी पार्टी भी इन इलेक्शन के ऊपर रिजर्वेशन का इजहार तो करते रहे हैं ना, तो कमिश्नर ने ज़रा बढ़ के बात कर दी? नहीं, बहुत ही आगे निकल गए। अच्छा। मतलब 5-7,000, चलो फॉर एग्जांपल एक बात हो ना, बंदा मान ले, ये ज्यादा सच तो नहीं बोल दिया? मेरे ख्याल में कोई एक्सीलेटर पे ज्यादा पाँव रख दिए। नहीं, ज्यादा सच तो नहीं निकला है यार, पता नहीं क्या उन्होंने किया। अब 70,000 ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि कोई कहे कि मैंने वोट डाल दिया, मतलब आप खुद 70,000 वोट डालना। चले, अच्छा है आपने कहा तहकीक, इससे अब आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा साद रफीक ने बहुत पहले कहा था कि एक वक्त आएगा कि कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार नहीं होगा। आपकी पार्टी ने कहा कि हम काबीना में नहीं बैठेंगे, वज़ीर आज़म बने नून लीग से। अब सुना है कि नून लीग भी अपनी दिलचस्पी खो रही है काबीना बनाने में, वज़ीर आज़म लेने में। अब फिर हुकूमत कब बनेगी, कैसे बनेगी, क्या होगा हमारे मुल्क का? मुझे नहीं पता कि हुकूमत लेने में वो हिचकिचा रही है क्या भी है, क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो फैसला कर लिया था, क्योंकि पीटीआई ने हमें मतलब है कि वो तो कह रही थी हमने किससे रब्ता नहीं करना, उसके बाद यू टर्न लेके सबसे रब्ता करेंगे लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से नहीं करेंगे। तो दो चीज़ें रह गई थी, या हम पीएमएलएन के साथ जाते या हम अपोजिशन जमातों में बैठते। अपोजिशन में जमातों में बैठने का मतलब ये है कि हम पाकिस्तान में एक और इलेक्शन कराने के लिए जाएँ, क्योंकि मेजोरिटी फिर ना होती। और हुकूमत में हमने जाने से क्या ये है कि पीएमएलएन को सपोर्ट करने का, वो ये है कि हमने कहा पीएमएलएन को वोट देंगे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी देंगे, लेजिस्लेशन में भी अच्छी लेजिस्लेशन सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि 16 महीने का हमारा जो एक सफ़र रहा है इकट्ठे, वो कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। हमारे लोगों की भी रिजर्वेशन थी, वो भी कहते थे गवर्नेंस का इशू है, हमारे साथ इतिहादी है, हम गवर्नेंस अच्छी नहीं कर सकते। तो हम उनको कहते हैं आप अच्छी गवर्नेंस करें, आप खुद चलाएं, एक दो इत्यादि आपके हैं उनको साथ चलाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। एक दो इत्यादि कौन से बच गए मौलाना साहब, अब दूसरे बयान दे रहे हैं वो पीटीआई के साथ है भाई, वो चार सीटों पे साथ क्या है उसके बाद? नहीं, लेकिन पीटीआई उनके पास चल कर गई है मौलाना साहब, आपको मालूम है मौलाना साहब को, आपसे ज्यादा कौन जानता है उनकी सियासत को, उनकी सियासी जो मूव्स हैं उनको? देखिए, मौलाना साहब ने जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसने वही इसी कमिश्नर की तरह स्टेटमेंट दिए, सब कुछ कहते हैं। अब मुझे देखिए, एक मैं तो वो लफ्ज़ नहीं समा सकता, मतलब है कि मैं कहूँगा गलत बयानी से काम लिया उसने, मौजबाना यही लफ्ज़ मैं कह सकता हूँ मौलाना साहब ने। उसने कहा, पहले कहा कि जनरल बाजवा जनरल फैज के कहने पे ऐसा हुआ, जी जी, फिर उसने कहा नहीं गलती से मेरे मुंह से फैज निकल गया, जी जी, ठीक है, क्योंकि अब क्योंकि वो फैज से निकल गया क्योंकि गलती से, क्योंकि अब क्योंकि जिनके साथ इनका नया सियासी रिश्ता होने जा रहा है तो हाँ उनका वो है ना मास्टर माइंड है। अच्छा, तो गलत बयान इसलिए थी कि फैज उस वक्त जो है वो जनरल फैज उस वक्त पिशौर में, फिर बावलपुर चले गए। अब आपको याद होगा कि मीडिया में आया था और आपके चैनल में गालिबन किसी ने वो किया था या कोई और में था कि जब अदम एतमाद से पहले जनरल बाजवा हमारे पास आए थे और उन्हें कहा था इमरान इलेक्शन कराना चाहते हैं अदम एतमाद से, और बिलावल भुट्टो जदाजी खड़े हो गए थे कि हमने अदम एतमाद करनी है। और उस वक्त अब ये कह रहे हैं कि उसे कहने पर हुआ,
جی جی exactly. اور آپ نے کہا کہ نہیں بلاول بھٹو اور جنرلی وہ کھڑے ہوئے تھے کہ ہم اعتماد کریں گے تو اب کون مطلب ہے اتنا بڑا غلط بیانی سے کام لینا اور جھوٹ بولنا مطلب ہے کہ انہوں نے کہہ دیا. اور پھر سب سے بڑا بینیفیشری کون تھا؟ مولانا فضل الرحمان, ہاؤسنگ, مذہبی امور, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن, پھر سیفرون, پھر ڈپٹی اسپیکر, پھر گورنر کے پی, پھر اس کے بعد جو ہے ایک منٹ صوبائی وزارتیں. مولانا صاحب نے آخر سٹینڈ بھی تو لیا پی ٹی آئی کے خلاف, مسلسل سٹینڈ لیا پی ٹی آئی کے جلسوں میں. کیوں کہہ رہے ہیں میں اس کے خلاف تھا؟ مولانا صاحب پھر کیوں کہتے ہیں نہیں, دھرنا بھی لے کے آئے تھے ادھر اسلام آباد میں. یہ بڑا اچھا صاحب, تو کس کے کہنے پہ دھرنا اٹھایا گیا تھا؟ پرویز الہی آئے تھے ان کے پاس. وہ پرویز الہی تو پھر اب سیویلین وردی میں آئے تھے نا, جس کے کہنے پہ اٹھایا گیا تھا وہ بھی فرمائشی دھرنا تھا. اور فرمائش اس پہ گیا, کس کے کہنے پہ اٹھایا گیا؟ تو وہی جس کا نام اس نے لیا تھا کہ اس میں فیض کا کہہ رہے تھے, فیض کی سفارش پہ شاید انہوں نے اٹھایا. فرمائشی پروگرام پہ تھے ہمیشہ, فرمائشی پروگرام. یعنی لیکن میری ایک بات کمپلیٹ ہونی, پھر آپ کی بات. دیکھیں عدم اعتماد کے بعد سب سے بڑا بینیفیشری مولانا فضل الرحمان اس کی جماعت ہے. انہوں نے جو منشیاں لیں اور پھر جو پرفارمنس انہوں نے کی اور جو پھر got it, got it. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ دھرنا جو اٹھایا گیا وہ پرویز الہی تو آئے تھے, لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ مولانا صاحب نے دھرنا جنرل فیض صاحب کے کہنے پہ, فیض کے جو بھی ہے, لیکن فرمائشی پروگرام تھا. اچھا, فرمائشی پروگرام پہ تھے, فرمائشی پروگرام پہ گئے تھے. یعنی اس وقت بھی ملے ہوئے تھے. اگر ملے ہوئے ہوتے تو جس طرح جلسوں میں پی ٹی آئی والے ان کے خلاف جو الفاظ استعمال کرتے تھے, میں تو وہ الفاظ, آپ جو ہے نا, آپ لوگ بڑی اچھائی کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت, پیمرا بھی اور آپ بھی. آج وہ کلپ دکھائیں جو ہمارے, اس میں کلپ آپ دکھاتے کہ آپ نے نواز شریف کے اوپر یہ کہا, آپ نے فلاں کہا. آج ذرا عمران کی کلپ چلائے نا, کیا کہتا مولانا. نہیں, ہم نہیں چلا سکتے نا. تو یہی بات ہو گئی نا, ادھر بھی آپ ان کے ساتھ اچھا ہی کر رہے ہیں. ہم نہیں چلا سکتے. مولانا کے چلا دیں, وہ کیا کہتا تھا. نہیں, ہم نہیں چلا سکتے. مولانا کی بھی پابندی ہے. ویسے آج ٹیلی ویژن تو کسی کے خلاف, ہم تو غلط الفاظ, ہم یہ کہتے ہیں کہ سیاست اتنی شائستگی سے کریں, تنقید اتنی کریں کہ کل آپ آنکھیں ملا سکیں. ایسے ہی ایسے, یہ پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کہا. اب مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے جو دوست ہیں وہ مولانا آ رہا کہ اس پہ ناچیں گے کہ نقد کوکے پہ جمعیت والے ناچیں گے. اچھا, پتا نہیں, بہرحال. لیکن میں حکومت سازی کی بات کر رہا تھا. آپ حکومت میں نہیں آنا چاہ رہے, آپ کابینہ میں نہیں آنا چاہ رہے, تو نون لیگ کے ساتھ حکومت سازی کی میٹنگز کیا کر رہے ہیں؟ کمیٹی کس کیا کام کر رہی ہے؟ دیکھیں, ہم ان کے ساتھ میٹنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ بہت سی ایسی چیزیں جس پہ ہمیں ڈسکشن کرنی ہے. ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے ماضی میں جو 16 مہینے کا تجربہ رہا, خیبر پختونخوا میں ہمارے پارٹی کے دوست تھے, پنجاب میں تھے, ان کا پچھلے 16 مہینے میں کوئی کام نہیں ہوا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی اس میں شروع تھی, پولیس کی طرف سے, وہاں کے ڈی ایم جیز کی طرف سے, فنڈس کے حوالے سے بھی ہو رہی تھی, سب کچھ, کوئی چیز بھی نہیں ہوئی. اور یہ اب وہ چیزیں ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم کہیں گے ہمارے ساتھ اگر آپ آپ کو سپورٹ کریں گے, ہمارے لوگ مطمئن ہوں گے تو ویل اینڈ گڈ, نہیں ہوں گے خدا حافظ. اگر ساری چیزیں وہ کہتے ہیں یہ لے کے جا رہے ہیں آئینی جتنے ہوتے ہیں, اگر ہمارا ان کو پسند نہیں ہے تو پھر آپ کیا کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ویسے؟ ہم نہیں, ہم نے دیکھیں, ہم نے پہلے دن اپنے سی سی میں کہا تھا کہ ہم پریزیڈنٹ کا, اسپیکر کا اور چیئرمین سینٹ کا یہ الیکشن ہم لڑیں گے, ہمیں کوئی سپورٹ کرے نہ کرے, ہم نے الیکشن لڑنا ہے. دیکھیں گا, اگر پرائم منسٹر کا ہم لڑیں گے تو ہی الیکشن کی طرف جاتے ہیں. اس پہ تو آپ کینڈیڈیٹ لا سکتے ہیں, ہم لائیں گے اور ہم لڑیں گے اور ڈٹ کے لڑیں گے. بہت شکریہ جناب فیصل کریم خان کنڈی صاحب. ناظرین ہمارے روبرو تھے. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو انہی امور کے حوالے سے جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہمارے روبرو ہیں جناب شعیب شاہین صاحب, پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما, اور وہ سابق صدر رہے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے, اور اس حوالے سے زیادہ ریلیونس ہے جو میں ان سے کوسچن پوچھوں گا راول پنڈی کے کمشنر لیاقت علی چٹھا کے حوالے سے. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, آپ نے وقت دیا. لیاقت علی چٹھا نے جو بھی بیان دیا ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, نہیں, میں آپ سے لیگل پرسپیکٹیو جاننا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان پر بھی الزامات لگا دیے. ابھی آپ کے پارٹی کے لوگ آج شام کو وہ ان کے بیانات کو انڈورس کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا. کیا آپ کی پارٹی یا آپ خود یا سردار لطیف خان کھوسا صاحب یا بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گوہر خان صاحب چیف جسٹس پر لگائے گئے الزامات کو بھی انڈورس کرتے ہیں؟
دیکھیں اس کے بارے میں تو ابھی ہم مظاہرہ اسلام آباد میں کر کے آئے ہیں، نیچرلی ہماری اس حوالے سے کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، لیکن میں اتفاق سے آپ کو بتا دوں کہ کل شام کو میں نے ٹی سی ایس کے ذریعے ایک لیٹر بھیجا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور ان سے گزارش کی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو صورتحال درپیش ہے، یہ جو آئین اور قانون کی پامالی ہو رہی ہے اور جس طرح لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، بینگ چیف جسٹس آف پاکستان سب سے پہلی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوتی ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی اور لوگوں کے مینڈیٹ کو ریسٹور کرنے کے لیے آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اور وہ آج ان کو مل چکا ہے۔ اس لیے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے گزارش کروں گا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے پاس کیا ایویڈنس ہے، چیف الیکشن کمشنر کے چیف اپنا کمشنر کے پاس جو اسے کمشنر راولپنڈی کے پاس جی جی کمشنر راولپنڈی کے پاس، اس لیے اس کے بارے میں تو ظاہر ہے ہماری پارٹی پالیسی کے حوالے سے تو تب ہوگا کہ جب ہم کوئی میٹنگ کریں، کیونکہ آج دن میں آئے ہیں اور میں اسلام آباد میں مظاہرے کو اصل میں شام میں تقریباً 7 بجے کے قریب لطیف کھوسا صاحب، علی محمد خان صاحب اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، تو جو میں نے سنا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ کہہ رہے تھے کہ چٹھا صاحب نے اپنے ضمیر کی آواز کو لبیک کہا ہے، لیکن اگین لیگل پرسپیکٹو میں دیکھیں براج صاحب، یہ بات تو 100% درست ہے کہ کوئی ایڈمنسٹریٹر، وہ ریٹرننگ افسر، کنسرنڈ ڈی آر او یعنی ڈی سی اور کمشنر کے بغیر نہیں کر سکتا، اور اس میں الیکشن کمیشن جب تک ملوث نہ ہو ان کے بغیر یہ فورجری اور دھاندلی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو فورجری اور دھاندلی ہے، میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں، اسلام آباد میں بھی یہی کچھ ہوا، میں 1,05,000 ووٹ لے کے آ رہا بیٹھا ہوں، میرے پاس پورے کمپلیٹ 45 فارم 387 پولنگ سٹیشنز کے موجود ہیں، جبکہ میرے بندے مقابل نہیں لائے، اور میرے ساتھ جو 3 دیگر کنٹیسٹنٹ سے مصطفیٰ کھوکر جو اس کے بعد آئے، تحریک لبیک پاکستان، جماعت اسلامی، ایون پیپلز پارٹی، سب نے وہ انڈورس کیا ہے کہ جو میرے پاس فارم 45 ہے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اگر اپنے ملک میں جو ایک ریٹرننگ افسر ہے وہ تنے تنہا اتنی بڑی کرپشن، دھاندلی اور فورجری نہیں کر سکتا، اچھا دیکھیں نا بات سیدھی سی ہے کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے یا اسلام آباد کے ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے تو آپ پہلے سے بات کرتے رہے ہیں، لیکن میں ایک اسپیسیفک اب آپ کے سامنے چیز رکھ رہا ہوں کہ جو کمشنر راولپنڈی، لیاقت علی چٹھا نے الزامات لگائے، الیکشن کمیشن نے بھی رد کر دیے، سب کہہ رہے ہیں تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن یہ کیا ہمارے ہاں ہوا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خود آ کر اپنا دفاع کرنا پڑا؟ دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خود دفاع کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ایک پریس ریلیز جاری کرا لیتے، اور دوسری بات چیف الیکشن کمیشنر کے اوپر تو ڈاؤٹس پہلے دن سے موجود ہے اور جاری و ساری ہے۔ چیف الیکشن کمیشنر کا کنڈکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، 11 تاریخ کو میرے کیس میں، پرسنل کیس میں، اور اسی طرح باقی 2 کیس بھی میرے ساتھ تھے اسلام آباد کے 3 ملکوں کے، اس نے کہا کہ پروسیس آف کنسولیڈیشن از سٹاپڈ فورتھ وتھ، اور ان کو کہا اپنے ڈی جی کو، لا کو، کہ جائیں ابھی ان کو انفارم کر کے آئیں، اور ہمیں آرڈر بھی دیا۔ میں چلا جاتا ہوں 11:30 بجے، 12 بجے کنسولیڈیشن ہونی تھی پروسیس کی فارم 48 کے لیے، مجھے ریٹرننگ افسر رائٹنگ میں اوریجنل لیٹر لکھ کے دیتا ہے کہ جناب یہ آپ کا پروسیس آف کنسولیڈیشن از پوسٹ پونڈ۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ میرے 2 گھنٹے جانے کے، ہمارے جانے کے بعد 2 گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کہ طارق فضل کو بلا لیا، میں ہم بھاگم بھاگ وہاں جاتے ہیں اور پتہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں اندر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ شہیب شاہین صاحب یہ باتیں آپ نے، ایک منٹ سر، کلیئر کرنے دیں، آدھے منٹ میں آ رہا ہوں آپ، جی جی، ہمیں کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، ہم واپس آنے لگے تو پولیس نے اپنی نگرانی میں ہماری گاڑیوں کے اوپر، ہمارے لوگوں پہ تشدد کرایا، ہماری گاڑیوں کے شیشے توڑے، اور وہ پولیس، وہ ان کے گنڈے جو طارق فضل کے وہاں موجود تھے، طارق فضل اندر تھا، مجھے نہیں پتا۔ یہ آپ نے پہلے بھی یہ بات کر دی، میں تو ذرا نہیں میں آپ کو کنڈکٹ بتا رہا ہوں۔ چیف الیکشن کمشنر کو میں نے لکھا کہ جناب یہ ہو رہا ہے، اس نے فوراً آرڈر کیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، رات کی تاریخی میں ابھی یہ سارے آرڈرز کر کے نوٹیفیکیشن نکال دیا اس کے۔ وہ بات میں جو بار بار گزارش کر رہا ہوں، وہ بات ہو چکی، میں صرف جانبداری کی، جانبداری کی بدترین مثالوں میں سب سے پہلی مثال۔ اچھا میں جو آپ سے نا، آپ چونکہ ایک سینئر قانون دان بھی ہیں، میں اس وجہ سے آپ کے سامنے یہ عدلیہ کے کوسچن رکھ رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ پریس ریلیز جاری ہو جاتی سپریم کورٹ کی طرف سے، لیکن پیر کو پرسوں وہ ایک پٹیشن آئی ہوئی ہے جو کہ پورے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی، جس میں
अब ये मामला भी पीर को उसमें क्लब होगा, तो वो पिटीशन कोई आपकी तरफ से एंडोर्स हुई है, आपकी तरफ से भेजी गई है? जब ये रावलपिंडी के कमिश्नर की बात भी आएगी सामने, तो ये मामला सादा नज़र आ रहा है, गंभीर नज़र आ रहा है? एज अ लॉयर आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम इस एप्लीकेशन को एंडोर्स बिल्कुल नहीं करते। अच्छा, हम तो इलेक्शन दोबारा चाहते नहीं है, हम तो सिर्फ ये कहते हैं अगर हुआ भी तो हम कर लेंगे, हमें कोई इतराज नहीं। मगर ठीक है, फेयर इनफ। फॉर्म 45 के मुताबिक जिसको जितनी सीटें मिलती हैं और बनती हैं, मैंने आज खत लिखा है, मैं आपको अभी भेजता हूँ खत, आप जरा देख लीजिएगा। मैंने उनको कहा है कि अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते के आगे और पीछे फटने के फर्क से अगर इंसाफ किया जा सकता है, आज तो दस्तावेजात मौजूद हैं। मैंने चीफ जस्टिस साहब को प्रपोजल दी कि आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को, जो पूरे हर जिले का मौजूद है, उसके साथ असिस्टेंट्स के लिए एडिशनल सेशन जज और सीनियर सिविल जज उसके साथ दे दें, 3 दिन में ये मसला हल हो। सो आप अदालती तहकीकात के लिए आपने खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जो पिटीशन आई है उसमें भी तो ये मामला रखा जा सकता है जो आप फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल रखा जा सकता है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस दिन जाऊं। अच्छा। उनके पास पेश हूं और इसी केस में मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी मेरा खत आया हुआ है, उसको आप कन्वर्ट कर दें टू ए पिटीशन। अच्छा, हम एक और चीज भी, चूंकि वक्त थोड़ा है, मैं इसलिए माजरत में मुझे इंटरप्ट करना पड़ रहा है। कल बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि हम मरकज में भी और सूबे में भी हम अपोजिशन में बैठेंगे। आपके ख्याल में पंजाब में तो खैर मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं मीटिंग, वो चीफ मिनिस्टर बन रही हैं, मरकज में आपको कौन वजीर आजम बनता नज़र आ रहा है, कौन सी पार्टी हुकूमत बनाती नज़र आ रही है जहाँ आप अपोजिशन करना चाह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन वाकई गैर जानबदार हो और वो हमारे केसों के फैसले कर दे, तो हम तो 180 से ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ही हुकूमत बनाएंगे। और अगर फर्ज करो वो फैसले नहीं करता, इस तरह की धांधली करता है जिस तरह का मेरे साथ हुआ है और बाकी लोगों के साथ कर रहा है, इधर से ऑर्डर करता है पीछे से नोटिफिकेशन जारी कर देता है, तो हम उस पर क्या ट्रस्ट कर सकते हैं, उसकी गैर जानबदारी के बारे में क्या बात कर सकते हैं? इसलिए अगर उन्हें ना किया तो नेचुरली फिर हम तो नहीं बनाएंगे, तो जो बाकी बनाएंगे जिन्होंने डाका जनी की है, जिन्होंने हमारे मैंडेट चुराया है, वो मिलके बनाएंगे और कोई भी बनाएगा। एमक्यूएम उसमें शामिल है, आपके सामने उनकी एक सीट भी शायद मुश्किल बनती थी, हमारी 17 सीटें उन्होंने चुरा ली है, और इसी तरह मुस्लिम लीग नून की टोटल 17 सीटें बनती है, ये पूरे सहाफी बरादरी कह रही है। और इस वक्त भी अच्छा, पता नहीं सहाफी बरादरी को क्यों दरमियान में घसीटा जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जनाब शुएब शाहीन साहब, नादरीन हमारे रूबरू थे, इसी तरह हम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और जनाब फैसल करीम खान कुंडी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।